अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक चैलेंज दिया था उस्मान मिर्ज़ा को, क्योंकि वो मैंने उसकी वीडियोस देखी थी कि वो खान बाबा के साथ रंगबाजियां कर रहा है, और वो भी एक रंगबाज साबित हो गया है। पहले भी मुझे पता था कि वो रंगबाजियां करता है, जो वेट उठाता है सब दो नंबर है, और जो 20 बाइकें रोक रहा है, मैंने उसको पहले भी चैलेंज दिया था कि 20 बाइकें छोड़ तू मेरी एक बाइक रोक ले, और 20,000 रुपया इनाम कोई दे रहा था उसको, मैंने कहा मैं 40,000 रुपया दूंगा, एक बाइक रोक ले 20 बाइकों की जगह। तो ये सारी रंगबाजी थी, फिर पेट के ऊपर से गाड़ी गुजारना, ये शोभदाबाजी है। तो वो शोभदाबाजियों से निकल के खान बाबा के पास गया, मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। 20,000 रुपया खान बाबा ने उसको दिया और किराया दिया जाने का, जो उसके पास पहुँचा वो, और खान बाबा ने दो वीडियोज़ बनाई। उसने कहा मेरे पास अच्छा मोबाइल है, उससे वीडियोज़ बनाते हैं। तो उसने दो वीडियोज़ बनाई, एक उसके लिए और एक अपने लिए, और उसने अपने वाली वीडियोज़ लगा दी सारी। मिर्ज़ा जट को मार रहा है, उसकी शर्ट फाड़ रहा है, वो वीडियो भी वायरल हुई है, उसे शर्ट भी नहीं फाड़ी जा रही और उठा उठा के फेंक रहा है। तो मुझे ये कहता था खान बाबा कि उस्मान बुलेट तुम मेरे घर आए थे, मेहमान थे, इसलिए तुम्हें जाने दिया। तो ये मेहमान नहीं था, ये तुम्हारे घर नहीं आया था, है ना, मैं सिर्फ मेहमान था। वो जो गाड़ी लेके आया था, जिसको तुमने गाड़ी रोकी और गालियाँ निकाल रहे थे, वो भी मेहमान नहीं था, सिर्फ मैं मेहमान था, सिर्फ मैं एक मेहमान था तुम्हारे घर में। बाकी जितने लोग आते हैं वो मेहमान नहीं होते, उनको तुम बदतमीजी भी करते हो, वो बदतमीजी इसलिए करते हो कि उन्होंने तुमसे पैसे लिए होते हैं। मैं पैसे नहीं लेता, और मैंने तुम्हें एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने। अब लोग तुम्हें जो मर्ज़ी कहते रहे, तुम्हें जो मर्ज़ी करते रहे, तुमने खुद आके कह दिया मैं रंगबाज हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहना छोड़ दिया है। ये बात मिर्ज़ा जट के लिए है कि मिर्ज़ा जट को मैंने चैलेंज दिया था कि ये जो रंगबाजियाँ कर रहा है ये बंद कर रहा, आके मुझसे फाइट कर। तो इसने इसके ऊपर मेरे कोच को फ़ोन किया और कहा कि भाईजान आप इस तरह करें कि मेरे बैनर लगवाएं, मुझे फूलों के हार बनवाएं, मैं आऊँगा। तो एकदम उस्मान बुलेट सामने से आके कहेगा कौन है ये मिर्ज़ा जट, तो मैं उस्मान को धक्के दूंगा, उस्मान मुझे धक्के देगा, और हम उसको वाइंड अप करके मैं चला जाऊंगा। उसके बाद उस्मान मुझे तड़ियां लगाता रहे, मैं उसको तड़ियां लगाता रहूंगा, और मुझे 20,000 रुपया दे दीजिएगा तो मैं उस्मान बुलेट को जो है मशहूर करूंगा। भाई मुझे इस तरह की मशहूरी की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस तरह घटिया लोगों में मशहूर ना करें, जैसे लोग आपको गालियाँ निकालते हैं मुझे भी निकालें। तो फिर मैंने इसको चैलेंज दिया था कि आप मेरे साथ फाइट करो, और इसने जो किया मैंने आपको बताया, मेरे कोच को कॉल की और सारा कुछ। अब इसने क्या किया कि ये वीडियोस मेरी उठा के लगा रहा है अपनी वॉल पे और कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा VCL जिम कहाँ है, मेरे कोच से तू रोज़ बात कर रहा है, सुल्तान शायद नाम है उनका, उनसे तू रोज़ बात कर रहा है, जिम का तुझे पता है, और तू रंगबाजियाँ कर रहा है किधर है जिम, मैं तो उस मुंडे का नाम भी नहीं जानता, तो जिस दिन तू मुझे मिलेगा ना मेरा नाम भूलेगा भी नहीं। तो ये बार बार जो है रंगबाजियां छोड़ दो, और अब ये उस काबिल भी नहीं रहा कि इसके साथ लड़ाई की जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर एक वो खान बाबा की तरह उसने कपड़े नीचे घुसाए हुए हैं, रंगबाजियां कर रहा है, ये उधर भी जाके रोया तो है कि खान बाबा ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। फिर वो सब्जी वालों के घर में इसको बेइज्जत करके उन्होंने बाहर निकाला है, तो उसमें भी ये काफ़ी रोया तो है। तो ये फ्लॉप हो चुका है, इसकी औकात नहीं है कि इससे लड़ा जाए। हाँ अगर तू लड़ने आएगा तो मेरा कोई शिगिर्द तुझे पकड़ के फेंटा लगा देगा, क्योंकि तेरी इतनी वो औकात नहीं है कि मैं तेरे साथ लड़ूं, और तुझे मैंने कहा था चैलेंज के लिए और तुझे टाइम भी दिया था, तूने कहा था कब आऊँ, तो मेरा कमेंट इसकी वीडियो के नीचे मौजूद है कि मैंने इसको कहा था परसों आ जा, तो ये नहीं आया, और ना इसने मेरे कमेंट का जवाब दिया। तो अब और एक और चीज़, इसने अजान दी है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह खुश रखे, इसको अजर दे उस बात का, लेकिन इसने एक जगह पे बोतल ज़मीन पे फेंकी कि मुझे जी खान बाबा ने मारा है, और आके बेंच पे बैठा और बोतल ज़मीन पे फेंकी। और एक जगह पे ये आया, उन्होंने केक रखा हुआ था, तो इसने वो कपड़ा उठा के तो केक ही उल्टा दिया। तो रिस्क ज़ाया कर रहा है, और रिस्क ज़ाया करना कंजरों का काम है, ये काम जो है ये मुसलमानों का नहीं है, और ना मुसलमान ज़ाया करते हैं, मुसलमान रिस्क बचा के गरीब लोगों को देते हैं, और उन लोगों को देते हैं जिनका पेट भर जाए, जो बेचारे एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, उन लोगों को दें अगर आपके पास इतना ज़्यादा आ गया है। वैसे तो आप रोते रहते हैं कि फलाने ने मेरे पैसे नहीं दिए, फलाने ने मेरा, मैंने उसका टास्क पूरा किया, उसने मुझे चैलेंज पूरा किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो खुद को गरीब शो करते हो और वही वाली हरकतें कर रहे हो। कि ये काम जो है ये अच्छे लोगों का नहीं है, ये दो नंबर लोगों का काम है, रिस्क फेंकना, रिस्क को ज़ाया करना। तो अल्लाह ताला आपको
सेहत दे और समझने की तौफीक दे, क्योंकि सेहत मैंने इसलिए कहा है कि ये साइको लोग होते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और फेम लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इज्जत भी दाव पे लगा सकते हैं, जो इसने लगाई है सबने देखा है। तो इसने अपने फैंस का दिल भी तोड़ा है और अब तो फैंस इसके रहे भी नहीं हैं, लोग गालियाँ ही निकालते हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि उस्मान इसका जो मिर्ज़ा जट है, मुझे भी इसका बार बार नाम भूल जाता है, मिर्ज़ा जट जो है इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ लड़ाई की जाए, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुका है लोगों के सामने और बहुत ही घटिया किस्म की सोच है इसकी जो ये रिस्क फेंक रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लगा और अगर मैंने इस तरह की हरकत की होती तो मैं कौम से ज़रूर माफ़ी मांगता। अगर ये इंसान का बच्चा होगा तो ये कौम से माफ़ी मांगेगा। अपने होस्ट उस्मान ब्रदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।